गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय एजुकेशनल चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन और हेलोएरिन पढ़े थे। आज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन और हेलोएरिन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ तक कि कॉम्पिटिशन के एग्जाम जैसे नीट और जेई मेन के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिया है जिसको जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये दो ठो क्वेश्चन है, ये सभी कंपाउंड को इसके बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, इसको पहले मैं समझा देता हूँ कि होता क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है हेलोएल्केन या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली किस पर डिपेंड करता है, तो वांडरवाल फोर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वांडरवाल फोर्स जिस कंपाउंड में ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन अगर ये इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें अभी हम लोग देखेंगे किसका वांडरवाल फोर्स ज़्यादा होगा, किसके मॉलिक्यूल्स के बीच में वांडरवाल फोर्स ज़्यादा होगा। तो जिस मॉलिक्यूल्स का वांडरवाल फोर्स ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वांडरवाल फोर्स ज़्यादा होने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो स्ट्रांगली जब जुड़े हुए होंगे तो जल्द ही उसमें सेपरेशन नहीं होगा और इस तरह जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो वांडरवाल फोर्स मेनली किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है और साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है कि नहीं, कंपाउंड के मास और कंपाउंड के साइज पर वांडरवाल फोर्स डिपेंड करता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सभी का जो है मास अलग अलग है और सभी का साइज भी अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ ये फ्लोरो एथेन है, ये आयोडो एथेन है, ये क्लोरो एथेन है और ये ब्रोमो एथेन है। तो सभी में एथेन ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप सेम है, लेकिन इसमें फ्लोरीन है, ये आयोडीन है, ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन है। तो ये सभी कंपाउंड जो है हेलोजन का कंपाउंड है ना, ये इसलिए हेलोएल्केन में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे कम मास जो है फ्लोरीन का होता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर पोजीशन में है, टॉप पोजीशन पर पाया जाता है। तो फ्लोरीन का मास सबसे कम है, उसके बाद जो मास होता है वो क्लोरीन का होता है, उसके बाद जो है ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का। ठीक है, तो मास भी सबसे कम होता है और इसका साइज भी, ये सभी का क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का होगा। ठीक है, इससे मालूम चला कि सबसे कम मास फ्लोरोएथेन का भी होगा और सबसे छोटा साइज भी फ्लोरोएथेन का ही है, इसलिए सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका होगा। ठीक है, इसको हम नंबरिंग कर देता हूँ, ये एक नंबर। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो ये इसका होगा, ये दो नंबर मान लेते हैं, ये तीन नंबर है और ये चार नंबर है ना। तो सब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमें। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाले को लिखेंगे। तो पहले होगा वन नंबर, उसके बाद फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, तो क्लोरीन का मास जो है इससे ज़्यादा है लेकिन आयोडीन ब्रोमीन से कम है, तो इसलिए जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है मास और साइज दोनों पर डिपेंड करता है। तो उसके बाद वो आएगा थर्ड नंबर, उसके बाद जो है ब्रोमीन का होगा, मतलब इसके बाद हम लोग लिखेंगे फोर्थ नंबर कंपाउंड को, और उसके बाद जो है सेकेंड नंबर कंपाउंड। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन में जो है ये एक ऑप्शन होगा जिसमें पहले जो वन नंबर लिखा हुआ होगा, उसके बाद थर्ड नंबर, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद सेकेंड, और उस पर आप टिक मार देंगे। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर अगर देखेंगे कि ये जो है क्लोरोमेथेन है, ये क्लोरोएथेन है, ये क्लोरोब्यूटेन है, ये क्लोरोप्रोपेन है। ठीक, तो इसमें देखेंगे कि सभी जगह क्लोरीन है, क्लोरीन सेम है, लेकिन इसमें अल्काइल ग्रुप जो है सभी का अलग अलग है। तो जब अल्काइल ग्रुप अलग अलग है, इसमें वन कार्बन, इसमें टू, इसमें फोर, इसमें थ्री, इसका भी नंबरिंग कर देता हूँ, वन टू थ्री फोर। तो नंबर ऑफ कार्बन जिसमें कम होगा उसका मास भी कम होगा, है ना, और उसका साइज भी कम होगा। मतलब सबसे छोटा साइज जो है क्लोरोमेथेन का होगा और मास भी कम होगा। ठीक है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इसके बाद जो है जिसमें दो ठो कार्बन है उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो उसके बाद जो है ये दो नंबर का होगा। उसके बाद जो है फिर इसमें भी
सॉरी ये दोनों जो है मैंने दो इस जगह अगर लिखा जाए CH2Cl है ना, तो उसके बाद जो है क्लोरो प्रोपेन है, तो क्लोरो प्रोपेन का साइज जो है थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसमें दो कार्बन है इसमें तीन कार्बन है, और वांडरवाल फोर्स जो है मास और साइज दोनों पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसमें सबसे कम वांडरवाल फोर्स, उसके बाद इसमें इससे ज्यादा वांडरवाल फोर्स इसमें होगा, उससे ज्यादा वांडरवाल फोर्स इसमें होगा, सबसे ज्यादा वांडरवाल फोर्स इसमें होगा, तो वांडरवाल फोर्स ज्यादा होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो ये अरेंज कैसे करेंगे, तो 1 2 4 उसके बाद 3, ठीक है कि नहीं।